नमस्कार मित्रों, आनंद हो के चैनल में आपका स्वागत है। तंत्र के बारे में ऐसी पोस्ट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें, ताकि मैं तंत्र की सच्चाई, मिथ्या और सत्य इन सब को लेके आप तक पहुंच सकूं। धन्यवाद। विद्वेषण क्रिया भी तंत्र की महत्वपूर्ण क्रिया है, षटकर्मों में से एक है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। पुराने समय में इस विद्या का प्रयोग शत्रु की आंतरिक कलह करवाने के लिए किया जाता था। जो शत्रु बहुत ही संगठित होते थे या बहुत ही शक्तिशाली हो जाते थे एक दूसरे से मिलके, और संगठन ही शत्रु का मुख्य अस्त्र होती थी, तो विद्वेषण क्रिया का प्रयोग करके तंत्र द्वारा उनमें मतभेद करवा दिए जाते थे और उनको कमजोर करके विजय प्राप्त की जाती थी। विद्वेषण प्रयोग, जैसा कि नाम से ही समझ आ जाता है, किन्हीं दो लोगों को अलग कर देना या उनमें वैचारिक मतभेद वाली स्थिति उत्पन्न कर देना विद्वेषण है। तंत्र की शाखा के भी दो पहलू हैं, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी, और दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। परंतु आज के समय में तंत्र का दुरुपयोग ही पहचान बन के रह गया है। इसमें तांत्रिक, मांत्रिक, शमशान सभी प्रकार की विधियां हैं। विद्वेषण प्रयोग का सदुपयोग किसी अनैतिक रिश्ते को तोड़ने या शत्रुओं के समूह को हराने के लिए किया जाता है। यदि किसी वैवाहिक पुरुष या स्त्री की शादीशुदा जिंदगी के बावजूद अनैतिक रिश्ते हैं और उसका जीवन साथी उसके अनैतिक रिश्ते को खत्म करना चाहता है, तो इस प्रयोग से अधिक प्रभावशाली और कुछ नहीं हो सकता। यदि आप किसी वाद विवाद के कारण, जो कि आप पर अन्याय रूप में सभी शत्रु इकट्ठे होकर आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, तो यह प्रयोग स्तंभन प्रयोग के साथ में किया जाए तो निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। यदि आप किन्हीं परिस्थितियों में फंस गए हैं जहां कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे और आप तब तक उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते जब तक आपके शत्रु एक दूसरे से टूट ना जाएं, तो यह प्रयोग अन्यतम है। पर याद रखने वाली बात यह है मित्रों, कि आप पर सत्य में ही अन्याय हो रहा हो और वास्तव में ही आपके पास प्रयोग किए बिना कोई चारा ना बचे। तंत्र का प्रयोग किसी द्वारा किए गए वशीकरण को तोड़ने के लिए भी किया जाता है और किसी प्रकार के तंत्र प्रयोग को तोड़ने के लिए भी इस विद्या का प्रयोग होता है। ये तो था इस विद्या का सदुपयोग। परंतु आज के समय में इस विद्या का दुरुपयोग भी कम नहीं होता, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि तंत्र का प्रयोग और इस विद्या का प्रयोग किसी के भले के लिए किया जाए तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा इसके दुष्परिणाम बहुत ही घातक होते हैं। पर इन सब के बावजूद आज इस विद्या का प्रयोग किसी का घर तोड़ने, रिश्तों में दरार लाने और नुकसान करने में करते हैं लोग, और वह बेचारा जिस पर प्रयोग होता है असहाय सा घूमता रहता है, और कुछ अन्य लोग भी पैसे के लालच में उसे पथहीन कर देते हैं। विद्वेषण तंत्र का भी सदुपयोग ही किया जाना चाहिए। यह प्रयोग किसी पर अन्यायपूर्वक नहीं किया जाना चाहिए, परिणाम भुगतने पड़ते हैं यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो। विद्वेषण प्रयोग पर आगे की पोस्ट पर हम आपको से बताएंगे संबंधित प्रयोग क्या है, कौन से इष्ट हैं जो विद्वेषण करते हैं, और क्या है इसकी सच्चाई और क्या है इसकी शक्ति, ताकि आप इस क्रिया के बारे में जान सकें और कल को पथहीन ना हो।